हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज इरफान खान। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और सुनाएं, सब बढ़िया? क्या चल रहा है भाई लोग का? आज के व्लॉग में हम कुछ स्पेशल बनाने जा रहे हैं। आज के व्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी मुर्गा, और इसकी रेसिपी हम बताएंगे कैसे बनाया जाता है इसको। आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, इसको लाइक करना, कमेंट शेयर, और बताएं कि आपको। माशाल्लाह इरफान भाई, आज की क्या तैयारी है आपकी इफ्तारी की? सलाम अलैकुम भाई जान, क्या हाल है? ठीक ठाक हो आप? बस सब दुआ आपकी भाई जान। आज कुछ हम इफ्तारी में स्पेशल बनाने वाले हैं। जी जी भाई, बताएं हमें। ये हमारा कांदा। ठीक है भाई। टमाटर। अच्छा, ये बनने क्या वाला है आज? ये कुछ स्पेशल है, आप देखते जाएं। अच्छा, मतलब आप अभी बताओ। माशाल्लाह, आज कुछ खतरनाक बनाने का सोच रहे हो? जब इफ्तारी करेंगे तो हमारे दस्तरखान पे होगा इंशाल्लाह, बारिक ताला ने अगर चाहा तो। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, मैंने ये सारा मटेरियल निकाल के रखा है। बैंगन है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है। गोल काटना है, जैसे आप घर में काटते हैं वैसे नहीं काटना है इसको। इसको बिल्कुल गोल आधार में काटना है, लाइक दैट। इरफान भाई, हम आपकी हेल्प करें इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं भाई जान। तो फिर हम काटते हैं गोल आधार में। इरफान भाई बता रहे हैं इसको गोल आधार में काटना। चलो हम कोशिश करते हैं। तो टमाटर भी गोल काटना है। ओवन में क्या, इस चिकन का नाम क्या है? ये चिकन तंदूरी, बावा चिकन। तो इसको हम जो बेकरी का ओवन रहता है उसमें बनाएंगे। एक तो इलेक्ट्रॉनिक रहता है उसमें नहीं बनाएंगे हम, ये आग वाले में बनाएंगे, क्योंकि उसमें अपना ही टेस्ट रहता है। जो इलेक्ट्रॉनिक रहता है उसमें टेस्ट नहीं रहता है। भी काट लिए हमने, शिमला मिर्च भी काट लिया, प्याज भी काट लिए, और नींबू भी हमारा कट गया है। अब हरी मिर्च को दो हिस्से करने हैं सेंटर में से, और उसके बाद हमारा बैंगन ऐसे कटेगा। हाँ बिल्कुल, आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या काम है इसमें, ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि इसका क्या काम रहता है। ये सिर्फ एक टेस्ट के लिए इसको डाला जाता है। और इसके बाद हम इसका मसाला तैयार, और ये हमने बैंगन लिया है, इसके हम 20 हिस्से करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, हम इस पे हल्का हल्का नींबू डालेंगे टेस्ट के लिए, और उसके बाद हम कुछ इस पे नमक थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डाले। मुर्गे को तैयार करना है, इसको कट पीस लगाने हैं कुछ इस तरह। ये इसलिए कि ताकि ये चिकन ब्रेस्ट है तो इसको कट इसलिए लगाया जा सकता है ताकि ये अंदर तक पके और ये कच्चा ना रहे। तो आज एक और बंदा आ चुका है, सर भाई। आपको क्या लग रहा है? आपने जैसे सुना कि बाबा एक नया ब्लॉग बना रहे हैं और उस ब्लॉग में कुछ सिखा रहे हैं चीजें कैसे चिकन बनाया जाता है, आपने क्या बोला? ये चिकन छोटा ना यार, ऐसे क्या होगा? इतनी चिकन दो और हैं, वो भी ला रहे हैं, वो भी। ये अभी हमने अपना मसाला तैयार किया है, अपना सीक्रेट मसाला है, किसी का नहीं है। चलो भाई, आपको इसको देख के भूख लगी है? भाई जान भूख नहीं लगी यार, फिर थक गए यार, काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सदर भाई आजकल पबजी खेलते खेलते थक जाते हैं यार। क्या क्या थकते हैं सदर भाई, क्या करते हैं? सदर भाई अंदर बैठे बैठे पबजी खेलते खेलते थक। भाई जो आपने बैंगन लाया, इसका क्या मकसद है? बैंगन को क्या 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 हमें पता था आप यही सवाल पूछोगे। हाँ जी हाँ, इसीलिए तो हमने यहाँ पे रखा है इसको। गुड, बाप बताएं इसको, छोटा कुछ पूछ रहा है आपसे। ये सिर्फ फ्लेवर के लिए डाला जाता है भाई जी, और कोई मकसद नहीं है। मकसद कोई, ये हमने मसाला लगा के इसको रेडी कर दिया गया है। डलेगा मटेरियल, अब बड़ी जनता आई है बाबे का ये देखने के लिए। रेसिपी क्या है बाबा, वो तो बताएगा नहीं। ये रखा है हमने मुर्गा, अब इसमें हरी मिर्च। बाल देख लेते तेरे कैमरामैन के साथ, रोजे का भी ध्यान रखना बाबे। ये इतनी मिर्ची जो डाल रहे हो ना, ये भैया ये जल के खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बर्फ भी फ्रिज में लगा देना भैया, आज बर्फ भी नहीं लगी हुई है, बर्फ नहीं लगी फ्रिज में। और ये भाई अकील भाई, अकील भाई इधर, ये मैं नींबू के सड़ से बीच में। हां जायल, कभी कुछ खाया हो तो पता हो ना तुझे, खा के खाली वो अब बॉयल हुए हैं क्या, बॉयल कर करके। नहीं नहीं, इसको इधर उसके नीचे रखेंगे, बल्ब के नीचे, ये बन जाएगा खुद ही।
जब तक अवतार ही होती बन जाएगा। एक दो दिन की कैंपिंग यार, लेकिन चलना सैटरडे को और संडे को, ताकि भाईजान हमें ड्यूटी वाले बंदे से मकसद और क्या। हमारा हर दिन संडे है, हमारा हर दिन सैटरडे है, हम जब मर्जी चाहे के चले जाएंगे। जाओ पहले बाहर होने दो। हां चुप बात, अगर ये मुझे नहीं लेके जाएंगे ना, मैं दुआ ऐसे करूंगा ऐसे। कोई बात नहीं, फिर क्या होगा आपको पता ही है। ये अपने चैनल में रखेंगे धनिया, वो धोके लाना, धनिया धोके लाओ, धनिया धोके लाओ। हेलो फ्रेंड, हेलो शायद भाई, आपको कैसे पता चला यहाँ पे आज बाबा कुछ नया करने जा रहा है? ओह माय गॉड, आप क्या बोलना चाहते हो इस चीज को देख के बाबा? ये शायद भाई इस चीज से नाराज है, शायद है क्योंकि शायद भाई चिकन नहीं खाते। छोटू भैया हमारी वीडियो कॉल और कॉल नहीं उठा रहे, आप क्या बोलोगे? छोटू भैया को शायद गाड़ी आने वाली है, वो चाहते हैं कि हमारी गाड़ी आए तो लोगों को सरप्राइज दे, हमें सरप्राइज दे, नहीं इग्नोर करें, पहले से इग्नोर कर दें कि हमें छोटू भैया हमें भूल जाए, है ना छोटू भैया जो यार ये गलत कर रहे हैं इन दिनों हमारे साथ। पहले अफतारी, पिछले साल अफतारी की यहाँ पे चादरों में चादरें बिछी होती थी, यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ अफतारी होती थी, आजकल कुछ नहीं, उसके हाथ छोटू भैया होते थे। लगता है कोई छोटू की लाइफ में कोई लड़की तो नहीं आ गई। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे लड़की आ जाए, अच्छी बात है, शादी करें वो, मुझे खुशी होगी इस चीज को। मुझे लग रहा है छोटू भी हमें सरप्राइज देने वाले, कुछ ना कुछ एकदम दुकान के बाहर आएंगे, टांटा हम देखेंगे, चलो बैठो लद्दाख जाना। ना ना ना, एक सरप्राइज और हो सकता है, क्या पा पा के साथ आके लड़की बैठी हो, फिर ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाबे तू बोल यार, आरिफ कटारी ने क्या किया यार, वो जो अपेंडिक्स को दिखा के ना सारा पूरा रोजा तबाह कर दिया। क्या यार अपेंडिक्स दिखा के सारा रोजा तबाह कर दिया। अपने अपने कपड़े उठा लो, मतलब घर से बाबे की दुकान से नहीं। और अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे एक डेढ़ घंटे के लिए। कितनी दुनिया आई है देखने के लिए, देखो ये हैं बाबे के फैन, हेटर्स भी है। ये देखो जैसे ये चिकन नहीं खाएगा, ये हेटर्स है, वो चिकन खाता है, वो नहीं खाता, वो भी खाता है। को फ्रिज में रखने के लिए ये डालेंगे ना। मिलते हैं अब हम आपको मिलते हैं तकरीबन दो घंटे के बाद। ओके, तब तक इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खुदा कमेंट करें। 2 hours later हमारा ओवन जिसमें हम अपना मुर्गा पकाएंगे, आप देख सकते हैं इसको अभी जला के तैयार किया गया है। अब हम इसमें मुर्गा रखेंगे, हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप, लेके जाएंगे ओवन में, डेढ़ घंटे तक डीप फ्रीजर में रखा है। अब इसको हम रखेंगे ओवन में, पट्टी में देख सकते हैं आप, ये है, ये गया अपना लास्ट। ये कर दिया हमने बंद, अब इसको हम एक डेढ़ घंटे के बाद 1 hour later नेक्स्ट स्टेप ये देखें, अब हम इसको पेपर से कवर करके रख देंगे। और ये हम लोग अभी नमाज पढ़ के आए, अब टूट पड़े हैं इस पे, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे शाहिद भाई और ये मेरी छोटी चुन्नी मुन्नी। हाय कर, शर्म आ गई है इसको। हाय हाय